नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके वर्किंग स्टाइल में वो कभी भी झलकता नहीं है। सच्चाई यह है कि उन्होंने हाल ही में हजरत बल का दौरा किया, चरारे शरीफ का दौरा किया और वहाँ पर जाते ही ये आदेश दिया कि इनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए कितना पैसा आया था और इसकी जांच होनी चाहिए कि पूरा ढंग से लगा भी है या नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने अपने जूते काफ़ी दूर खोल दिए थे सम्मान के लिए, श्रद्धा के लिए, उन्होंने कहा कि किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, और उसके बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, और अब जब जम्मू आज पहुंचे तो उन्होंने तीनों प्राचीन मंदिरों में माथा टेका। चाहे वो पंचबख्तर मंदिर हो, चाहे वो रणवीरेश्वर मंदिर हो या फिर श्री रघुनाथ मंदिर हो, तीनों मंदिरों में वो पैदल चल करके, ये एक उनका स्टाइल है और अपने स्टाइल से वो काम करते हैं। हालांकि उनको लोग कह रहे थे या पुलिस वाले जो उनकी सिक्योरिटी में तैनात है उनको गाड़ी में बैठने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने रुक करके ये जानना चाहा कि वहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। बाजार के दुकानदारों से मुलाकात की, बातचीत की, आइए देखते कुछ दृश्य। दर्शकों, इससे पहले मनोज सिन्हा जगती टाउनशिप में गए और उन्होंने वहां जाकर के लोगों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश की। हम सब जानते हैं जगती टाउनशिप में कौन लोग रहते हैं, कश्मीरी विस्थापित पंडित रहते हैं और कई दशकों से उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। हर सरकार प्रयास करती है लेकिन वो अभी तक उनके साथ पूरा जस्टिस नहीं उनको मिल पाया है, और शायद यही कारण था पहली मर्तबा जगती टाउनशिप में किसी को इतना वेलकम किया गया हो। और जितने भी लोगों से हमने मुलाकात की, बातचीत की, उन सब का यही कहना था कि कहीं ना कहीं इस उपराज्यपाल यानी मनोज सिन्हा से उनको खासी उम्मीद है। आज हमें आवाज पहुंची, सुनो सुनो आराम से, पहुंची आपके नाम के नाम, आप यहां गवर्नर साहब आए, भगवान और भगवान जी वरना। आज हम दुनिया, हमारी माँ बहने ये सोच रही थी, वीडियो गवर्नर साहब जी आ जाए थे, 10 साल हो गए हमें जगती में आए हुए, तो हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये पहले गवर्नर साहब हैं जो कश्मीरी माइग्रेंटों का आज हाल पूछने आए हैं। इससे 10 साल से पहले कोई नहीं आया जहाँ, हम इन गवर्नर साहब का आज दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, हमें इन पर पूरा विश्वास है ये कर दिखाएंगे। इन्होंने बोला जैसे कि किसी के घर में तो इतनी नौकरियां लगी हैं, किसी के घर में एक नहीं है, तो मैं आने वाले वक्त पे ऐसा निकालूंगा कि निकालेंगे कि एक घर में जरूर जिनके घर में नौकरी नहीं है, जिनके घर में 4 बच्चे हैं, 4ों में से एक को सरकारी नौकरी नहीं है, तो उनको भी हम सरकारी नौकरियां दिलाएंगे। हमारे को गवर्नर साहब से पूरा विश्वास है, अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है, हमारे कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए अब कुछ होगा। कश्मीर वापसी को लेकर कोई बातचीत हुई आपसे? जी, इसके बारे में आज कोई बात नहीं हुई है कश्मीर वापसी को लेकर, पर हम लोगों ने बोला कि हम लोग कश्मीर जाना चाहते हैं, वो हमारा घर है जी। सबसे पहले हम बहुत शुक्रगुजार हैं आज कि जो आज हमारे बीच में LG लेफ्टिनेंट कॉर्नर मनोज सिन्हा साहब आज यहां पर हमारे पास आए, हम बहुत खुश हुए क्योंकि हमारा दिल कहीं दिनों से तरस रहा था, सरकार की तरफ से हमारे पास कोई आदमी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज खुद ही भगवान होके आए यहां पर। उन्होंने हमारी दुख दर्द बहुत सुनी है और उन्होंने कहा कि 15 दिन में मैं आपका जो इन बातों का जवाब दूंगा, क्योंकि वो भी समझ गए कि इन लोगों के साथ काफ़ी जो इनजस्टिस हो चुके हैं, क्योंकि हमने उनको मेमोरेंडम भी दिया, मेमोरेंडम में हमने बोला कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है उसको बढ़ोतरी किया जाए,
क्योंकि 6,000 जो है पुरानी सरकार की है, नई अभी तक कुछ हुआ नहीं, वो भी अभी पूरे नहीं हुए, और उसमें कुछ कोर्ट केसेस है, उनको भी जो रिवाइड करवा दीजिए ताकि वो लोग भी जो आप टचिंग हो गए और एज होने का, उनकी भी ज़िंदगी बाहर हो जाएगी। हमने ये रिक्वायरमेंट दिया उनको। दूसरा हमने ये कहा कि सर हमारे यहाँ पर जो क्वार्टर्स बने हैं जो भी है ये पुराने गवर्नमेंट के हैं, नई गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया, उस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे 15 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं इस पर कहूँ। तीसरा हमने कहा कि ओवर एज यूथ जो है, जो खजल हो रहा है, जो मेन जो शिकार हो चुका है 90 से लेकर आज तक इस माइग्रेशन में, उनके लिए जो है कुछ कंपनसेशन या कुछ जो है कोई स्कीम वगैरह दे दीजिए। तीसरा हमने बोला कि जो आयुष्मान भारत जो आज जो स्कीम है पूरे देश में है, हम कश्मीरी पंडितों ने क्या पाप किया ऐसा कि जो हम पे वो लागू नहीं की जा रही है। तब उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया। हम उनका एक बार और शुक्रगुजार कर रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ से, क्योंकि हर समय गुलिस्तान न्यूज़ चैनल जो है हमारी बात आगे पहुँचाती है। मुझे लगता है उस चीज़ से भी फ़र्क पड़िए जिससे जो गवर्नर साहब को खुद ही आना पड़ा। पंचभक्तर मंदिर को लेकर के सारे विवाद को लेकर के हमने मेयर चंद्रमोहन शर्मा चंद्रमोहन गुप्ता से बातचीत की, और साथ ही साथ चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के जो इस मामले को पूरा तूल दे रहे हैं एडवोकेट रविंदर शर्मा से भी बातचीत की। आइए देखते दोनों का क्या कहना है। दर्शकों की जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के लोगों से हमने बातचीत की, और उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं नगर निगम को इस बात का स्पष्ट करना होगा कि आखिर गलती किसने की है और इसकी जांच करवाई जानी चाहिए सीबीआई से। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। मेयर, आपका स्वागत है चंद्रमोहन जी। धन्यवाद जी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, इस्तीफे की मांग पैंथर्स पार्टी कर रही है, और जांच की मांग कांग्रेस कर रही है, कह रही है कि इस पंचभक्तर मंदिर को बेचने का प्रयास किया गया है, मंदिर की जगह को किसी प्राइवेट कंपनी को मल्टी स्टोरी पार्किंग और मार्केट बनाने के लिए बेचा गया था। सर, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया गया, ना कोई जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये पार्किंग बना रही है। नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो उसने कोई टेंडर किया जेडीए के द्वारा, जो हमारा स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी का भी जो सीईओ है हमारी डीसी जम्मू है। जहां तक लैंड का तल्लुक है, लैंड सारा जहाँ डीसी देखती है, जहां हमारे डिपकॉम साहब देखते हैं, डिविजनल कमिश्नर जम्मू देखते हैं, इसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई रोल नहीं है। हमने हमारे कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लेटर भी निकल गया है, प्रिंसिपल हमारे जो सेक्रेटरी उनकी तरफ से मेरी बात हो गई थी। किसी किस्म का भी ना ही हमने कोई टेंडर किया है, ना हम पार्किंग बना रहे हैं, ना हमारी जमीन है। जब से हम लोग पैदा हुए हैं हमने यही सुना है कि ये पंचभक्तर की सारी जमीन जो है मंदिर की है, और हमने कई बार इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया हुआ है। जब मंदिर की जमीन को कुछ लैंड ग्रैबर बेच रहे थे यहाँ पार्किंग बनाने के लिए, तो तब भी हम लोगों ने वहां यहाँ करके उसको बचाया है। तो आज हम थोड़ी कोई मंदिर की जमीन, हम लोग सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, हमने कई किस्म की मूवमेंट की है, चाहे वो अयोध्या मंदिर की बात हो, राम जन्मभूमि की बात हो, उसके लिए संघर्ष किए हैं, चाहे इसी पंचभक्तर मंदिर के लिए, और भी जम्मू शहर में दाएं बाएं जहां भी कोई मंदिर की बात आती है, चाहे वो जहां हमारे जम्मू क्लब के पास हनुमान मंदिर की बात हो, चाहे वहां का संघर्ष हो, चाहे कोई और भी मंदिर कहीं भी हमारे जम्मू शहर में कोई भी मंदिर से छेड़छाड़ करे, हम वो लोग हैं, हम जिस प्रवार विचार से जुड़े हुए लोग हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ काफी देर मैंने काम किया। हमारा पहला दायित्व है कि अपने जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अमरनाथ जो भूमि का चाहे सवाल था, चाहे पंचभक्तर का, तो ये कुछ लोग जो खुद आज बड़े नहरे लगाने वाले लोग हैं, अगर हम कोशिश करेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी इनकी करवाएंगे, आज हो रही है, चाहे मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, चाहे मैं और डिस्ट्रिक्ट की किसी की बात करूं, एक एक जो काली भीड़ है, एक एक जो मछली है, इनको पकड़ा जा रहा है। आप देखते जाना, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ना कोई ऑफिसर ऐसा आने वाला है जो इनकी एक एक पोल खोल के रखेगा, पता चलेगा कि इन लोगों ने कितनी कितनी जमीनें शहर के अंदर ग्रैब करके रखी हुई है, और कितने कितने बड़े इन्होंने रिजॉर्ट बनाए हुए हैं, कितने कितने बड़े फार्म बनाए हुए हैं। सवाल ये उठता है कि मंदिर प्रेम कैसे जगा कांग्रेस में? कांग्रेस की राजनीति में मंदिर प्रेम तो था ही नहीं। ये आपको पता ही है, जब इनके जो प्रधान है आजकल, शायद वाइस प्रधान है राहुल गांधी जी, जहां जाते हैं वहां मंदिर में जनेऊ डाल के जाते हैं, धोती डाल लेते हैं, मस्जिद जाते हैं टोपी पहन लेते हैं, चर्च में जाएंगे तो कुछ और पहन लेंगे। ये वो लोग हैं, मौका प्रस्त लोग हैं, इनकी एक एक ही पोल खुलने वाली है। माननीय एलजी साहब आगे हैं, हमने उनसे प्रार्थना की है कि जिस तरह सांबा डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये लैंड ग्रैबरों की जो खचाई हो रही, सारी जमीन खाली कराई जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब जम्मू के अंदर भी आप इन लोगों को बिल्कुल देखोगे। ये जो आज बड़े हाथ डाल के वहां बैठ रहे हैं, ये
संघर्ष करने वाले लोग नहीं है, ये लैंड ग्रैबर लोग हैं। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। चंद्रमोहन जी, आप मेयर हैं, आपकी ड्यूटी बनती है, आपका दायित्व बनता है, आप अपने पाले से गेंद जेडीए में नहीं डाल सकते या डीसी या डीकॉम पर नहीं डाल सकते, क्योंकि आप शहर के महापौर हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आखिर ये ब्लंडर हुआ तो हुआ कैसे। देखिए विनोद जी, पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, 100 में से 98 के जो सीईओ है वो जो कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वाइल जम्मू और श्रीनगर में जो जम्मू के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये डीसी ये सीईओ है और श्रीनगर में भी जो सीईओ है वो डीसी है भाई, ये दो शहर हमारे हैं। हम पिछले 1.5-2 साल से पीछे पड़े हुए हैं कि इस स्मार्ट सिटी का सारा काम जो है ये सीईओ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर होना चाहिए। लोग आप लोग हमसे सवाल पूछते हो स्मार्ट सिटी क्या बन रहा है, स्मार्ट हमें स्मार्ट सिटी के बारे में आज तक एक भी बताया नहीं गया, ना भी कोई हमारे साथ मीटिंग हुई है। हमने बार बार इनको बोला कि हमें डेमो दो और आप मीडिया वाले हमें सवाल पूछते हैं, तो इसलिए ये दो शहरों के लिए हमने पहले एलजी साहब से भी, इन एलजी साहब से भी कहा है कि इमीडिएट जो सीईओ है इसका वो हमारा कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कमिश्नर है वो होने चाहिए, ताकि हम सारी जानकारी हमारे पास हो। इसलिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हमने लिखित में दे दिया है, कहीं भी इस पार्किंग के साथ कोई लिया दिया नहीं है, ये जमीन मंदिर की है, मंदिर की रहेगी, कोई दुनिया की ताकत इसको दाएं बाएं एक जमीन में नहीं मतलब दाएं बाएं होने देंगे, और भी किसी मंदिर की जम्मू शहर के अंदर जब तक मैं मेयर की कुर्सी पे बैठा हूं किसी को एक इंच जमीन भी मंदिर की नहीं हम खाने देंगे। ये लैंड ग्रैबर लोग हैं जो कह रहे हैं, इनकी इनके पोल देखना आप बड़ी जल्दी खुलने वाले हैं। लेकिन चंद्रमोहन जी, जो गलती हुई है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये तलाशना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं तो आपके मैं इसके लिए विनोद जी, मैं इसके लिए पूरी एलजी साहब आज जम्मू आए हैं, मैं प्रयास करूंगा कल मिलने के लिए। हमारे माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह जी से मेरी 2 बार बात हुई, उन्होंने भी कहा है एलजी साहब को इसके लिए जहां गलती हुई है वो उस गलती को उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है या जेडीए है या डिपकॉम है या डीसी है, इन 4-5 लोगों को स्मार्ट सिटी ये है कॉर्पोरेशन का, यहाँ एक इंच भी यहाँ कोई एक मात्र भी हमारा कोई लिया दिया नहीं है। ये इन्होंने सिर्फ जो एरर हो गया वहां लिख दिया जी लैंड ओन्ड बाय जीएमसी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी लैंड आपके मकान को कोई लिख देगा लैंड ओन्ड बाय चंद्रमोहन गुप्ता या मेयर जम्मू, वो थोड़ी हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों के जहां इन्होंने कोई गलती की है खताई की है, इनके बारे में मैं एलजी साहब से पूरी बात करूंगा और दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। लेकिन ये जो डिमांड कर रहे हैं सीबीआई प्रोब होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको लगता है, क्योंकि गलती तो हुई है, मैं आपके एंड पे नहीं हूँ किसी और के एंड पे तो हुई है, लेकिन आप महापौर हैं शहर के। मैं चाहता हूँ सीबीआई इंक्वायरी करे, अच्छी बात है, और जो जमीन जो लोग हड़पने की सोच रहे हैं, बहुत से लोग हैं, पहले भी हमने रोकी है 2-4 बार, आगे भी रोकेंगे, लेकिन जेएमसी का इसमें कोई एक पैसे का रोल नहीं है ना होगा, आगे भी हम इसके बारे में जेएमसी नहीं है, ये डिपकॉम डीसी हमारा जो अपना जेडीए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये इनका इनमें से इन लोगों ने प्रपोजल बनाया। सो कोई कहता स्मार्ट सिटी से बन रही है, कोई कहता नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना रही है, कोई कहता जेडीए, और जेडीए ही बस स्टैंड पार्किंग बन रही है या कहीं और बन रही है, हमारी जेडीए विभाग ही जम्मू की जितनी जमीन है जेडीए बोर्ड लगा देता है, जेडीए। तो ये सारा कुछ ना कुछ आपके सामने बड़ी जल्दी सामने आने वाला है। लेकिन आपका कहने का मतलब है जिनको अचानक मंदिर प्रेम जागा है उनकी निगाह मंदिर की जगह पर भी है। देखिए मैं ये नहीं कहता, आज शहर के अंदर पार्किंग के लिए तो जगह चाहिए, बस स्टैंड में कितनी बड़ी पार्किंग बन रही है, लेकिन जो जमीन हो अगर आप टेंडर कर रहे हैं, आप प्रपोजल बना रहे हैं, पहले आपके पास जमीन होनी चाहिए। आप हवा में प्रपोजल बना रहे हैं, हवा में टेंडरिंग कर रहे हैं, और जहां पार्किंग अगर मंदिर की जगह वहां आपने बनानी है, उनसे जो केयर टेकर है उनसे बात करनी चाहिए और वहां जाके मेयरमेंट करनी चाहिए। आप अपने घर पे बैठ के प्रपोजल बना रहे हैं, घर पे बैठ के टेंडर कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। ये इसके बारे में अभी तक जो कोई सामने आ गया, आगे भी जो बाकी होगा वो भी सामने आ जाएगा। चंद्रमोहन जी, जो एसी कमरों में बैठ करके इस तरह से हवा हवाई में प्रपोजल बनाते हैं, क्या आप नहीं चाहते उनके खिलाफ भी एक्शन हो? बिल्कुल होना चाहिए, मैंने बार कहा आपको इसके बारे में एक्शन होना चाहिए। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी कहूंगा, प्रदेश के नेतृत्व से भी कहूंगा, जिन लोगों ने खाम खा जेएमसी और मेयर रिजाइन, मेयर का इसमें रोल ही नहीं है, जेएमसी का इसमें रोल ही नहीं है, खाम खा हम लोगों को टारगेट बना रहे हैं इनका, जे लोग जो आज बड़े नहरे लगाने वाले ना आपके सामने, इनका इस पार्किंग का तो हम करेंगे, इसके अलावा भी बाकी लोगों का भी इलाज हो जाएगा।
लेकिन अब चिंता ये है कि आप भी चाहेंगे कि इसकी जांच हो, क्योंकि जो ब्लैक शिप्स हैं उनको तो एक्सपोज करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल चाहूंगा, हम सनातन के लोग हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, मंदिर की एक इंच भूमि नहीं किसी को खाने देंगे। हम तो अमरनाथ यात्रा के लिए लड़े थे 62 दिन, मैं अंदर रहा था 5 दिन, हमारा पूरा संघर्ष हम लोगों ने 62 दिन किया था, और जम्मू के बच्चे बच्चे ने किया था उस अमरनाथ भूमि के लिए जो वहां। ये तो जम्मू शहर की बात है, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जम्मू के किसी भी मंदिर की, ये पांच बख्तर की बात है, किसी भी मंदिर की एक की जमीन भी हम किसी लैंड ग्रैबर के हाथों में नहीं चढ़ने देंगे, जो उन्होंने ग्रैब की हुई है। आप देखते जाओ आने वाले समय में एक एक इंच जो भूमि है, जिस तरह अमरनाथ श्राइन बोर्ड की हमने खाली करवाई है, ये भी खाली करवा के दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन एडवोकेट रविंद्र शर्मा। रविंद्र जी, पांच बख्तर मंदिर को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड है? बड़ी बात यह है कि नगर निगम ने कह दिया है और टेंडर कैंसिल होने की भी बात होगी, अब कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, बात यह है कि विवाद इस बात पे शुरू हुआ था कि मंदिर की जमीन जो है उसको इलीगली कॉरपोरेशन ने कहा कि हमारी जमीन है, और डीएडीए ने नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, उसके माध्यम से टेंडर निकाला, और टेंडर में लिखा है कि पंच मक्तल की ये जमीन जो है मंदिर की, हिस्टोरिक मंदिर की, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, इस पर शॉपिंग कम्प्लेक्स बनेगा, हार्ट ऑफ सिटी में शॉपिंग कम्प्लेक्स। और उसके माध्यम से जब जो केयर टेकर हैं जज सुरेश शर्मा जी को पता लगा, और उसके बाद उसके माध्यम से सबको पता लगा, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही वहाँ उनके समर्थन में आई और हमने मांग की कि इसमें जांच हो। और जब अब जब उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये गलती हो गई, हमको पता नहीं था, नेट पे और सारी जगह देश भर में टेंडर आ गया, आज टेंडर खुल जाना था, और अगर जज सुरेश शर्मा उस पर एक्टिविटी ना करते और ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता, तो चोरी चोरी करोड़ों रुपये की 35 करोड़ का प्रोजेक्ट रातों रात बन गया। हमने कहा कि कम से कम क्लर्क तो होगा, अगर कोई आईएएस अधिकारी नहीं, अगर मेयर नहीं, अगर कमीशन सेक्रेटरी नहीं, कोई दिल्ली से बड़ा आदमी नहीं, कोई बड़े बड़े बिल्डर्स पीछे नहीं, तो कोई क्लर्क तो हो जिसको सस्पेंड करिए, इंक्वायरी करिए। रविंद्र जी, वैसे देखा जाए तो कांग्रेस को कभी मंदिर की चिंता नहीं हुई, कांग्रेस की जो नीतियाँ रही हैं वो कुछ और ही रही हैं। अगर कांग्रेस की नीतियाँ होती तो राम मंदिर का निर्माण जरूर हो जाता, लेकिन आपको क्या लगता है एक मौका मिल गया था? देखिए, कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण वाले या मंदिर की जमीनें बेचेंगे, मंदिर पे ठेकेदारी करेंगे, वो कहाँ सोए थे, क्यों नहीं खुल के आए? चलिए वो छोड़ दीजिए कि आप कहते हैं कांग्रेस, बाकी जो संगठन हैं जो कि धर्म के नाम पे राजनीति भी करते हैं और धर्म का व्यर्थ फिक्र है उनको, हिंदू धर्म का, आज क्यों एक हफ्ते से छुपे पड़े हैं? वो क्यों नहीं आए मूवमेंट में, क्यों नहीं जुलूस निकले? अगर हम धरने में जा रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, जज सुरेश शर्मा की क्यादत में धरना हुआ, तो कम से कम टेंडर विड्रा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। वो संगठन, धार्मिक संगठन जिनको धर्म का बहुत फिक्र रहता है, लगता है उनको बीजेपी का फिक्र ज्यादा है, क्यों नहीं निकले? हम तो उनके पीछे चलने को तैयार हैं, आज भी और कल भी तैयार थे। कि हम तो बतौर धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, कांग्रेस पार्टी के नाम पे, हमारी भी आस्था है कि इतना बड़ा घोटाला होने जा रहा था, वो अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक बीसी जेडीएस कोऑर्डिनेट अफसर डिविजनल कृष्ण को डायरेक्शन दिया, रिक्वेस्ट करती है कि आप वेरीफाई करो जमीन किसकी है। तो मंदिर की जमीन सैकड़ों सालों की, जहाँ गुरु नानक भी आए, शंकराचार्य भी आए, सारी अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप यही होता था प्राचीन, और उसके लिए अभी वेरिफिकेशन डिव काम करेंगे, और प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, प्रोजेक्ट उन्होंने कहा ड्यू प्रोसेस से होगा, सिर्फ वो टेंडर बिटा हुआ है जो इन्होंने निकाला था, जिसके तहत आज निकलना था, लेकिन बाकी विवाद कहाँ खत्म हुआ? रविंद्र जी, आप सीधा सीधा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को, सीधा हिंदू रक्षा समिति, सीधा सीधा उनको टारगेट कर, मैं कि वो अगर ये यहाँ पर हुकूमत किसी और सरकार की होती, दिल्ली में कोई और सरकार होती, तो आज ये संगठन बिल्कुल खुल करके सड़कों पर होते। देखिए, जो भी संगठन हिंदू धर्म के संरक्षण की बात करते हैं, हम उनसे, हम भी तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ हम गलत हैं, कोई राजनीतिक पार्टी है, उनके विरोध वो करते हैं, किया उन्होंने, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो, भारतीय जनता पार्टी के तहत यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हो, भारतीय जनता पार्टी के तहत कॉरपोरेशन उनकी मेयर और कॉरपोरेशन वुड की हो, तब वो संगठन क्यों सुन हो जाते हैं? तब भी हिंदू धर्म के संरक्षण उतना ही जोरदार तरीके से करना चाहिए जब किसी और पार्टी की सत्ता हो।
तब भी उसी जोरदार तरीके से हिंदू धर्म की बात उठानी चाहिए उन हिंदू संगठनों को, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और कारपोरेशन हो। इसलिए हमारा गिला ये है कि धर्म की बात करें, राजनीति की बात ना करें। अगर उनको राजनीतिक फिक्र है भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने का, तो क्यों नहीं विरोध में उठे? और उठना चाहिए था, हम उनके पीछे चलते, क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि मंदिर की जमीन का टाइटल क्लियर करो, स्पष्ट भाषा में कहो कि सैकड़ों सालों से मंदिर की जमीन है, मंदिर के पास रहेगी। एक बात जांच करो कि वो कौन सा क्लर्क, जो अगर सरकार क्लर्क चलाते हैं, कॉरपोरेशन मेयर साहब नहीं चलाते, आईएएस अधिकारी नहीं चलाते, जेडीए आईएएस अधिकारी नहीं चलाते, केएस नहीं चलाते, जिनको पता ही नहीं चला, टेंडर फ्लोट हो गया सारी अखबारों में, देश भर में, नेट में, और वो इस तरह से होता है, सेंटर से सेंटर गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन आ जाती है। आप एक बैंक से लोन लेने जाओ, 100 वेरिफिकेशन होती हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं, लीगल टेक्निकल होते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 35 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और उनको कोई पता नहीं लगा कि जमीन मंदिर की है? कोई ना कोई विवाद तो होगा, उस विवाद को हम जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप देखिए टेंडर कैंसिल हो चुका है, आपकी डिमांड मान लीजिए, उसके अलावा आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी सी बात पे आप कहते हैं कि हमको पता ही नहीं। कॉरपोरेशन ये कहती है, जेडीए कहती है गलती से हमने कर दिया, उन्होंने कॉरपोरेशन से नहीं पूछा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, कैसे जेडीए ने लिख के दे दिया, वहाँ कर दिया और टेंडर बन गया कि भाई ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्लियर जमीन है, मालिक है, और इस पे हम शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, पार्किंग तो बना है उस कंजेस्टेड एरिया में, और किसी को पूछने की जरूरत नहीं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हम तो जांच मांगते हैं। एक बात दूसरा, अभी जमीन का टाइटल उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अगर आप चाहें तो ये चिट्ठी जो जेडीए की है ये पढ़ लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि जिन्होंने किसी जम्मू जो है वो वेरीफाई करेंगे, और अब जो प्रोजेक्ट जो बनेगा वो ड्यू प्रोसेस से बनेगा। इसका मतलब जो प्रोजेक्ट बना है कमर्शियल कम्प्लेक्स का, उसमें टेनेंट भी हैं, उनको भी उखाड़ा जाएगा, वो परमिशन ले लेंगे कोर्ट से। हम चाहते हैं कि अब आगे जो प्रोजेक्ट हो, पहले गलती आइडेंटिफाई करो, जो लोग जिम्मेवार थे वो कोई भी हैं, और इसके पीछे कौन लोग थे, पहले वो बात। दूसरी बात, जमीन मंदिर की मंदिर को दो, क्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर निकले और सबके सामने स्पष्ट हो। तीसरी बात कि वहाँ अगर कोई चीज़ बनने जा रही है, साधु समाज, संत समाज, धार्मिक संगठन, मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसमें विश्व हिंदू परिषद हों, कोई भी हों, सारे लोग जो हैं जो वहाँ भगत जन हैं और उनके और कोर्ट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आए कि क्या शॉपिंग कम्प्लेक्स बनना है, पार्किंग बननी है, किसके फायदे के लिए बननी है, कौन बनाएगा, उसकी मालकाना, उसके किराएदार कौन, किसके किराएदार होंगे, मंदिर को जमीन दो, आगे जो प्रोजेक्ट बनेगा पब्लिक डोमेन में डालो, हम कोई आगे नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं सामाजिक धार्मिक संगठन आगे हों, हम एज ए शहरी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उसके साथ होगी, लेकिन जांच हम जरूर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जांच भी। रविंदर जांच भी, रविंदर जी आप सीबीआई की मांग रहे हैं, आप सीबीआई प्रोब चाहते हैं, सीबीआई से करवाएं, सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाएं, हाई लेवल प्रोब करें, लेकिन कोई क्लर्क तो होगा विनोद जी जिसकी गलती है जी, कोई अगर बड़ा अफसर नहीं है, विशेष सेक्रेटरी नहीं है, ये बातें क्लर्क करते हैं भारतीय जनता पार्टी के रोल में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ईमानदार शख्स माने जाते हैं, उनका दायित्व बनता है कि पहले आइडेंटिफाई करें। इतनी बड़ी विवाद बना दिया तो कैसे हो गया कि ग्लोबल नेशनल के आपका, आपका आपका इतना बड़ा अनुभव है, क्या आपको लगता है कि ये गलती क्लर्क कर सकता है, ये मिली जुली साजिश नहीं है? देखिए आपने क्या पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपका बड़ा अनुभव है, क्या लगता है कि ये गलती क्लर्क कर सकता है, ये तो बड़े लेवल पर देखिए। मैंने इसलिए ये कहा कि कम से कम सरकार एक क्लर्क को सस्पेंड कर देती, एक्शन कर लेती, तो हम कहते हैं कि एक्शन किया। आप तो एक घपले को, घोटाले को बचाने के लिए जान छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहे, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लर्क के हाथ से दफ्तर चलता होगा, कोई अफसर देखते होंगे उस कागज को, तो बगैर देखे ये टेंडर साइन और अग्रीमेंट भी बन गए और टेंडर निकल गए। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से भी जांच हो कि आपने कैसे टेंडर निकाल दिया, और प्राइवेट बिल्डर को 62 साल के लिए आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं, बड़े बड़े ठेकेदार कहाँ से आ रहे हैं, और उनके ये कोई छोटी बात है कि आप इसको बहुत मामूली आस्था के साथ साथ इसमें कोई करप्शन के एंगल भी हैं। लीज की जो ड्यूरेशन है ये पहली मरतबा मैंने 62 साल की देखी, आपने पहले कभी सुना है? 62 साल उसमें लिखा है, 12 साल जो पार्किंग है वो
कॉरपोरेशन के पास 62 साल जो है वो उन बिल्डर्स या उन प्राइवेट प्लेयर्स के पास रहेगी या जिसके पास भी रहेगी, जो डॉक्यूमेंट्स है वो बताते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें एक एंगल तो गलती तो है ही, गलती नहीं है, साजिश है, जो जज सुरेश शर्मा जी ने अपनी एप्लीकेशन में लिखी है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, तो कॉन्स्पिरेसी तो छुप गई, आप छुपाना चाहते हैं इतनी सी गलती और माफी मांग के रिग्रेट करते। दूसरा उन्होंने कहा नेफेरियस डिजाइन है कि जमीन मंदिर की कॉर्पोरेशन और जेडीए कौन होते हैं कि इतना प्रोसेस करने वाले। तो जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स बैठे हैं, मेयर बैठे हैं, बीजेपी के सरकार चल रही है केंद्र में, वहाँ से वो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरा क्लास ली जाए, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी सेंसिटिव इश्यू को मंदिर जो है प्राचीन मंदिर की जमीन के लिए टेंडर निकाल दिया बगैर कुछ जांच क्यों नहीं हुई? कोई तो जिम्मेवार होंगे। हम कहते हैं अगर कोई जिम्मेवार नहीं तो कलर जिम्मेवार है, उसको सस्पेंड करिए कम से कम। भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद करते थे, आज आप कहते हैं हम टेंडर विड्रा करके 5 दिन के बाद अब दिल से निकले हैं। आपको धरना लगाने के लिए आप पहले पहुंचते थे, क्यों नहीं आज पंचमंदिर मंदिर में वहां पहुंचे सुरेश शर्मा जी के साथ, क्यों नहीं बाकी संगठन पहुंचे? जरूर एकाध संगठन ने बात की, विश्व बंधु परिषद ने बात की, हम उनका धन्यवाद करने की जिस जोरदार तरीके से वो आवाज बुलंद करते रहे हैं आज तक वो नजर नहीं आई बाकी संगठनों की। इसलिए रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।